हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो रेड PhD का फॉर्म है वो आ चुका है 2023 के लिए, और काफ़ी बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है। वो परेशान है कहाँ से पढ़ें, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी चाहिए जिससे मेरा रेड जो है क्वालिफाई हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा जो रेट है PhD वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कैसे क्लियर किया, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल ठीक है, कितने मार्क्स मेरा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। पेपर कैसा हुआ था सारी चीज़ें समझेंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो रेट जो दिया था रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। ठीक है, आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रिजल्ट स्टेटस है, मैंने रिटर्न जो एग्ज़ाम है उसको भी क्वालिफाइड कर दिया गया था और इंटरव्यू शेड्यूल भी आ गया था। तो आप देख सकते हो जो ये 2022 में जो अभी पेपर हुआ था आपका 10 दिसंबर को, उस दिन मैंने ये पेपर दिया और जो कि मेरा है रिजल्ट जो है क्वालिफाइड हो गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसी चीज़ें, अगर आप भी चाहते हो क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, कैसे हम चीज़ों को कहाँ से पढ़ें कि हमारा जो है रेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। अगर आपका सपना है PhD करने का और ख़ासकर DDU से जो बच्चे भी हैं करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8896914354 पे। मैंने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च किया है रेट के एग्ज़ाम से, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, जहाँ से आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे भी रेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं वो मुझसे इस नंबर पे मैसेज करके पूरी डिटेल्स आप जान सकते हो क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ने, और आपको 100% मैं स्ट्रेटजीज बताऊँगी क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें ही आपको कवर करनी है। मैं सारी की सारी आपके नोट्स, PDFs, कुछ क्वेश्चंस आपको PYQ के भी मैं प्रोवाइड करूंगी, चाहे आप कॉमर्स से हों, एजुकेशन से हैं, इकोनॉमिक्स से हैं, इंग्लिश से, ठीक है, आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जूम करके एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए 18 नंबर में आप देख सकते हो सीरियल नंबर 18 में शिवानी शर्मा, फादर्स नेम प्रमोद शर्मा, फिर OBC, यहाँ पर इकोनॉमिक्स, ये मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था जो कि आपका, ये आप देख सकते हो। तो देख सकते हो आप कैसे मैंने रेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अगर आप भी चाहते हो DDU से क्वालिफाई करना, रेट PhD करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। कोर्स में इनरोल हो जाइए जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है और रेट PhD में आपको सिलेबस जो है ज़्यादा कवर करने हैं। रिसर्च मेथोलॉजी जो एक ऐसा पेपर है सबका बेसिक्स है, तो वो मैं सबके लिए जो भी हैं इकोनॉमिक्स, जो भी अभी कोर्सेज हैं वो तो मैं कवर कराऊँगी, और जो आपका जो मेन जो कोर्स है सब्जेक्ट है तो उससे भी रिलेटेड मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आप उस कोर्स में इनरोल हो जाइए, नंबर में मुझे व्हाट्सअप करिए, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।